स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रीति मैम। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के क्वार्टरली एग्जाम का पेपर। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ये सेक्शन ए में आपका एक पैसेज आया था, तो ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके आंसर देखते हैं। पहला है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाई बूस्टिंग एंड्योरेंस। फिर सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, थ्रू वर्किंग आउट एन आवर बिफोर एन इम्पोर्टेंट टास्क। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज एंडोर्फिन्स इम्प्रूव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो इसका आंसर है आपका बाय रेगुलर वर्क आउट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द वर्ड एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मीन्स होता है सहनशीलता या कोई चीज लगातार सहन करते रहना, एबिलिटी टू कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो इसका आंसर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। एक्सरसाइज कीप्स एक्सरसाइज एक पर्सन को एक्टिव रखती है और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। तो दोनों आंसर बी और सी हो जाएगा आपका। फिर हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन। तो इसका आंसर है वाई एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन। फिर डिस्ट्रैक्शन का साइनोनिम्स पूछा है, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इट इज बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया नहीं गया है, तो ये पीक हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइएस्ट पॉइंट। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका पैसेज दिया हुआ है, तो इसकी नोट मेकिंग करनी है। फिर सेक्शन बी में यहाँ पर आपको ट्री प्लांटेशन ड्राइव पर एक नोटिस तैयार करना है, जिसमें बच्चों को सूचना देना है कि आपके स्कूल में एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव रखा गया है। तो उसके लिए बच्चों को सूचित करना, आप इको क्लब के मेंबर हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको इसमें क्या करना था, सेफ ट्री पर पोस्टर बनाना था। तो ये मैं आपको बनवा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद लाउड स्पीकर पर बैन लगाने वाला लेटर, ये आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके अथवा में करना था समर वैकेशन पर फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना था। अगला देखते हैं, ये आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो कोई भी आप कर सकते थे, या अथवा मैं एनुअल स्पोर्ट्स डे पर रिपोर्ट लिखने के लिए आई थी, तो ये भी आप कर सकते हो। चलिए फटाफट से ग्रामर देखते हैं। दे आर वॉचिंग अ मूवी, ही हैजंट गॉट। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा, एनी। फिर यहाँ पर देखिए यस्टरडे है, यस्टरडे मीन्स यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, बेंट। फिर डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो, द पोस्ट ऑफिस इज, यहाँ पर एक्रॉस आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड। तो व्हाट डिड वी डिड इट, तो इसका आपका हो जाएगा वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, बी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आपको अरेंज करना था, तो क्या हो जाएगा, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको चेंज करने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है, बाकी यहाँ पर आपको सिर्फ अरेंज करना था। ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन। अगला देखते हैं, ही इज वेरी पुअर, He cannot pay his fees. तो he is very की जगह आपको लगा देना है so, और दूसरे सेंटेंस को that से जोड़ देना है। चलिए, वह इतना poor है कि वह अपनी fees paid नहीं कर सकता। They are playing footballs. इसका voice change करना था, तो क्या हो जाएगा, present continuous में है, तो हो जाए ये football को आगे लेंगे, football is being played by them. फिर अगला है, राजू क्राइड फॉर मिल्क। तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज करना था, तो राजू क्राइस CRIES क्राइस फॉर मिल्क। चलिए अगला देखते हैं, सेक्शन डी में ये आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन वी ऑल टुगेदर वाला लेसन है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा अ सेलर। व्हाट डज सीफरिंग मीन, सीफरिंग का मीनिंग होता है रेगुलर ट्रैवलिंग बाय सी। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, उनकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेव वॉकर। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग लीजर, लीजर का सिमिलर मीनिंग होता है फ्री टाइम।
नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी पोयम का एक्सट्रैक्ट है, तो ये द वॉइस ऑफ द रेन पोयम से है। द पोयम ऑफ, यहाँ पर ये ने थोड़ा कुछ गलत दिया है, तो ये पोयम किस बारे में, रेन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कांट बी टच्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ये पोयम कौन सी है, तो द वॉइस ऑफ द रेन। अगला बी वाला देखते हैं, ये आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स लेसन से है, तो हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हॉर्स पर कौन बैठा हुआ था, कजन ऑफ द स्पीकर मुराद, तो जो स्पीकर है उनका कजन बैठा था जिसका नाम था मुराद। फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस लेसन से लिया गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच लैंग्वेज, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अर्मेनियन। उसके बाद राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म बताना था, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये सारे आप कर लीजिएगा। देखिए जैसे ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से खुशवंत सिंह ने की जो लेसन है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी उससे लिया गया है। फिर सेकेंड ये आपका बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से है, तो ये सब आप कर लीजिएगा। डिस्कवरिंग ट्रुथ का ये थर्ड वाला है। हु वर अदर टू क्रूमैन, ये भी आपका बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से है। कौन कौन से क्रूमैन थे, तो उनके नाम बताना है यहाँ पर। ये दादी माँ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, दादी माँ विलेज के डॉग्स को कैसे फीड कराती थी और क्यों, वर्णम, ये सब आप आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके पोएम से है, तो ये फोटोग्राफ वाली पोएम से है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद ये लेबनम टॉप, आप मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन, ये वॉइस ऑफ द रेन से है, तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बताया, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये अगले क्वेश्चन है, ये आपके स्नैपशॉट बुक से है। ये कितने नंबर के आए हैं, चार नंबर के। उसके बाद देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ये वाले डिस्कवरिंग टू राइट अ शॉर्ट नोट, किंग टूट पर शॉर्ट नोट लिखना था, तो ये भी आपका तीन नंबर का है। फिर सेंट्रल आइडियम आइडिया लिखना है फोटोग्राफ पर या द वॉइस ऑफ द रेन पर, तो ये सारे आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।